तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं msf कंसोल टाइप करता हूं तब कुछ ऐसा शो होता है। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से टाइप करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैंने यहां पे टाइप किया msf कंसोल और हमारे सामने कुछ ऐसा एरर देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा। यानी कि इसके कुछ डायरेक्टरीज जो है या फिर कुछ फाइल्स मिसिंग है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई किया और बाद में मेरे को जाके इसका सॉल्यूशन मिल ही गया। तो सबसे पहले तो हम इसे अनइंस्टॉल कर देंगे, देन हम उसके बाद इसे फिर से इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा sudo apt get। पहले तो आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि क्या ये इंस्टॉल हो पाता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा apt get install msf console। इतना टाइप करने के बाद मैं एंटर करूँगा। तो हमें इधर msf console की जगह metasploit लिखना था, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा apt get remove metasploit। तो मैं इधर ये टाइप कर देता हूँ metasploit, और ये टाइप करके मैं एंटर कर दूँगा। और जैसे ही मैंने एंटर किया, ये हमारा रिमूव हो चुका है। और इसके बाद आपको टाइप करना है apt get install metasploit। तो मैं इसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ apt get install metasploit एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है और आपको metasploit की साइट पे आ जाना है। जैसे कि आप URL देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके आपको गेट स्टार्टेड पे पहले चले जाना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, आपको डाउनलोड metasploit फ्रेमवर्क पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे और अब ये हमारा ओपन होने लग जाएगा। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और इसके बाद आपको ये कमांड पूरा जो है कॉपी कर लेना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कर्ल से लेके आपको इंस्टॉल तक इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें टर्मिनल पे जाना है और वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। एंड जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये स्टार्ट होने लग जाएगा और अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे आ रहा है रन msf console टू गेट स्टार्टेड। तो अब हमें टाइप करना है msf console और ये प्रॉब्लम अब हमारी फिक्स हो चुकी है, सोल्व हो चुकी है ये प्रॉब्लम हमारी। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये हमारा स्टार्ट होने लग जाएगा। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेल्प और आप देख सकते हैं सारी कमांड्स यहाँ पे आ चुकी है और अब हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। You.